हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, आज हो गया आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 30 अगस्त का आपका जो 2024 का री एग्जाम है वो। आई एम अज्यूमिंग आप सब कैंडिडेट्स का अच्छा ही हुआ होगा, बिकॉज जिन बच्चों से हमने बात करने की कोशिश करी है, जिनके थ्रू हमें आज का पेपर पता चला है, देवर टेलिंग अस कि आज का जो पेपर था, जिसका जीके जीएस का इनफैक्ट हिंदी का भी लेवल था, वो काफी ज्यादा आसान था। मतलब दे फाउंड इट वेरी इजी, एंड जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल था, अकॉर्डिंग टू देम इट वॉज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, इट वॉज नॉट एट ऑल हार्ड, इट वॉज ईजी टू मॉडरेट, यू कैन से डिफिकल्टी लेवल था। तो आई वॉन्ट टू नो कि आप में से कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको लगा कि ये पेपर थोड़ा सा टफ था, या उनकी शायद प्रिपरेशन उस लेवल तक नहीं थी, या फिर इट वॉजेंट लाइक अप टू द मार्क। तो प्लीज हमें कॉमेंट्स करके जरूर से बताइएगा, सो दैट वी कैन प्रिपेयर सम मोर प्रिपरेटरी वीडियोज फॉर योर टुमारोज एग्जाम। तो गाइज, बात करते हैं आज के पेपर की, जो कि आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का 30 अगस्त का पेपर हो चुका है, जिसमें आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है। तो हम लेके आ चुके हैं आपके लिए कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस वीडियो, जिसमें आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन क्वेश्चंस की, उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, उन इम्पोर्टेंट जीके जीएस हिंदी क्वेश्चंस की, जो कि आज यानी कि 30 अगस्त के आपके पहली शिफ्ट के पेपर में आपसे पूछे गए हैं। गाइज, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एग्जाम दिया है, जिससे कि उनको मोटा मोटा ये पता पड़ जाए कि हाउ मेनी क्वेश्चंस दे हैव आंसर्ड करेक्टली। अगर आप में से ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है, तो फिर भी आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना, जिससे कि आपको पता पड़ जाए कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी पैटर्न है, जो एग्जाम लेवल है, वो किस तरह का चल रहा है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और देख लेते हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस हिंदी के, जो कि आज यानी कि 30 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे गए हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर चैनल पर नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यार, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? बिकॉज दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पर आपको ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो मिलेगा, उससे रिलेटेड प्रिपरेशन वीडियोज, उससे रिलेटेड एनालिसिस वीडियोस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए, लेट्स बिगिन एंड लुक फॉर द क्वेश्चंस। सो गाइस, फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें था कि छत से ईंट गिरी, इसमें आपसे कारक पूछा गया था। सो ये एक आपका हिंदी का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे पूछा गया था कि इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में कारक क्या है। तो यहाँ पर आपको कारक बताना है, तो वो है अपादान कारक। अगला आपसे पूछा गया था कि स्वच्छ शब्द जो है, इसका पर्यायवाची आपको शब्द चूज करना था। चार ऑप्शंस दिए गए थे, जिसमें जो निर्मल शब्द होगा गाइस, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो जिन भी कैंडिडेट्स ने निर्मल पे करेक्ट निर्मल पे टिक लगाया है, निर्मल आंसर किया है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, अनाज का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो गाइस, अन्न हो गया, दाना हो गया, फसल हो गया, शस्य हो गया, ये सब जो होते हैं, ये अनाज, आई एम सॉरी, अनाज के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ओके, नेक्स्ट है, किसका अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर छल पूर्वक नियंत्रण स्थापित कर लेना। तो गाइस, छल पूर्वक अगर किसी और व्यक्ति की वेबसाइट पर अगर आपने नियंत्रण यानी कि कंट्रोल ले लिया है, विच मीन्स यू हैव डन वेब हाईजैकिंग। तो आपने हाईजैक कर लिया है उस पर्टिकुलर बंदे की वेबसाइट को, एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड वेब हाईजैकिंग। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हो गया था। तो गाइस, जो तीस्ता रिवर है, उसके कारण। अगला है, किस प्लेटफॉर्म पर ने इंस्टाग्राम स्टोरी और स्नैपचैट स्नैप्स के समान ही फ्लीट्स की अवधारणा पेश कर दिया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, हम आजकल के जमाने में इतना ज्यादा ये सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि इंस्टाग्राम पे जैसे हम शेयर करते हैं उसे स्टोरी बोलते हैं, स्नैपचैट पे हम डालते हैं उसे स्नैप बोलते हैं, व्हाट्सएप पे हम डालते हैं उसे स्टेटस स्टोरी बोलते हैं। सो लाइकवाइज गाइज, रिसेंटली ट्विटर ने भी कुछ स्टार्ट करा है, जिसको नाम दिया गया है फ्लीट्स। तो फ्लीट्स की जो अवधारणा पेश करी है, वो करी है ट्विटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों अवलोकनों को संख्याएं निर्दिष्ट करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। सो गाइज, हेयर इज योर आंसर, माप, जिसको हम मेजरमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। तो गाइज, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड भी वीडियो देखना है, तो दैट इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन द चैनल। इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम बोलते हैं, तो आप वो प्लीज देख लेना, आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए हेल्प हो जाएगी। तो हड़प्पा सभ्यता को अन्य किसी और नाम से जाना जाता है, तो वो हो गई आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। भारत में जीएसटी के जनक किसे कहेंगे? तो गाइस, जब जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को लाया गया था, तो उसके जनक जो आप कह सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी इज द करेक्ट आंसर।
अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो गाइस प्रयागराज इज द करेक्ट आंसर, जहां पे सबसे पहला ट्रैफिक पार्क खोला गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उससे रिलेटेड आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, सूची, अनुसूची, एवरीथिंग अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये हर एक पेपर में पूछी जा रही है, इसके क्वेश्चंस रिपीटेडली रिपीट हो रहे हैं। सो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वाक्य स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे अनुच्छेद 14 भी गिवन था, लेकिन गाइस अनुच्छेद 19 इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आपका जो अनुच्छेद 19 है वो वाक्य स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अगला है लठमार होली, जो कि भारत में काफी ज्यादा फेमस है। तो गाइस जो लठमार होली है वो उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लेखित किस शहर में मनाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है बरसाना। बरसाना की होली, जैसे कि हम सब जानते हैं, काफी फेमस है मथुरा की, बरसाने की। तो जो लठमार होली है वो आपकी बरसाने में खेली जाती है। अगला है, भारत के किस शहर में दुनिया के 90% छोटे हीरे संसाधित होते हैं? तो गाइस सूरत इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो 1914 इज द करेक्ट आंसर। भारत का सबसे बड़ा वन कौन सा है? तो गाइस सुंदरवन इज द करेक्ट आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंसस सर्वे 2011 कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो उससे रिलेटेड गाइस, चाहे पॉपुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या लिटरेसी रेट से, या सेक्स रेशियो से, सारा कुछ अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज वो अक्सर पूछा जाता है। सो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम भारत में कुल वन आवरण की बात करें तो वो थे 21.05%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन रैंसमवेयर का पूछा गया था। तो विच इज अ वेरी कॉमनली वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जिससे आप क्या करते हैं, फाइल्स को एनक्रिप्ट कर लेते हैं और रैंसम यानी कि फिरौती की डिमांड करते हैं, तो वो रैंसमवेयर कहलाता है। तो आपसे पूछा गया था रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो गाइज रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि फाइल्स को एनक्रिप्ट कर देता है और फिरौती की मांग करता है। सो दिस इज कॉल्ड रैंसमवेयर। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होता है, अगेन अ हिंदी क्वेश्चन। तो गाइस इसमें जो वत है, कहावत का जो वत है, दैट इज द प्रत्यय। अद्भुत रस का स्थाई भाव क्या होता है, तो विस्मय इज द करेक्ट आंसर। शहरीकरण, गाइस शहरीकरण जिसको हम अभी अर्बनाइजेशन के नाम से जानते हैं, वेस्टर्नाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव देखा गया है, कि मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एनवायरमेंटल चेंज हो रहा है तो वो क्या हो रहा है। तो गाइस उसमें जैसे कि हम जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका इमिशन कितना ज्यादा हो रहा है, जिसको हम उच्च कार्बन उत्सर्जन के नाम से भी जानते हैं, सबसे ज्यादा हो रहा है, तो वो शहरीकरण यानी कि अर्बनाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव है। निम्नलिखित वाक्य के लिए सही मुहावरा बताना है, मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। तो गाइज इसके लिए आपको मुहावरा जो दिया गया था वो है मखमली जूते मारना। तो इस मुहावरे का मतलब होता है मीठी मीठी बातों से यू आर अट्रैक्टिंग, यू आर लाइक लज्जित कर रहे हैं। ओके, किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई थी? तो गाइज प्लासी का युद्ध, जो ये बैटल ऑफ प्लासी था उसके बाद से। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? तो गाइस छटांक चूर चौबारे रसोई जो है, इस पर्टिकुलर लोकोक्ति का यूज होता है। भारत में प्रथम जनगणना किस शासक के समय आयोजित की गई थी? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जो सबसे पहली जो सेंसस सर्वे यानी कि जनगणना हुई थी वो 1872 में की गई थी, और लॉर्ड मेयो जो थे उनके समय में आयोजित हुई थी। भ्रमण शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है, मधुकर, सहचर, निशाकर या पचकर। तो गाइज मधुकर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, सदगति पुस्तक जिस पर एक फिल्म भी बनी हुई है, यह है किसके द्वारा लिखी गई है? तो गाइज प्रेमचंद्र इज द करेक्ट आंसर। किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न नहीं मिला हुआ था? गाइज ऑप्शन में तीन ऐसे आपको प्रधानमंत्री के नाम दिए गए थे जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है, उनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न से, लेकिन क्योंकि मनमोहन सिंह को भारत रत्न से नहीं सम्मानित किया गया था, उनको भारत रत्न रिसीव नहीं हुआ है, तो मनमोहन सिंह इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, त्याग पत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो जैनेन्द्र कुमार इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगतार का फुल फॉर्म पूछा गया था. गाइस फुल फॉर्म अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं आपको ऑलमोस्ट हर वीडियो में बताती हूँ, और एब्रीविएशन चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड हो, जनरल बैंकिंग रिलेटेड हो, या नॉर्मल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड हो, अगर वो भी आपको देखना है तो उससे भी रिलेटेड वीडियोज चैनल पर अवेलेबल है. मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, प्लीज जाके देख लेना. चैनल पे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अवेलेबल हैं जो कि आपको हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, इवन अगर आप एक स्टूडेंट हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं दे रहे हैं तो उसमें भी आपको बेहद मदद करेगी. जाके देख लेना, आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी. सो अब बात करें अंगतार के फुल फॉर्म की, तो गाइज वो होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. तो ये हो गया आपका अंगतार. अंगतार इज अ एब्रिविएशन दैट वी आर यूजिंग. आप इसको UNCTAD के नाम से भी जानते हैं और बोला जाता है. परी उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाएगा. तो गाइस परी इज द वर्ड जिसमें आप ऑप्शन में आपको हार दे रखा था, तो जब आप परी में हार जोड़ दोगे तो वो परिहार हो जाएगा और उसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना. एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो गाइस उषा राज इज द करेक्ट आंसर. व्हाइट गुड्स पर लगाई जाने वाली जो उच्चतम उच्चतम एज इन हाईएस्ट जीएसटी जो है, वो हाईएस्ट जीएसटी रेट आपसे पूछी गई थी. सो गाइस 28% इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होता है? तो अजर्व इज द करेक्ट आंसर. प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? तो गाइस यहाँ पे उपसर्ग आपका हो जाएगा प्रति. ग्रीन फाइनेंस किस तरह से सतत विकास का समर्थन करता है? सो गाइस ग्रीन फाइनेंस बेसिकली क्या करता है, पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जो होते हैं उनको उपलब्ध कराकर वो ग्रीन फाइनेंस जो होता है वो विकास के लिए काम करता है. बैलगाड़ी में समास क्या है? तो बात करें बैलगाड़ी की तो उसमें तत्पुरुष समास है. 1992 व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? तो गाइस डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह इज द करेक्ट आंसर. PMJDY जिसको हम प्रधानमंत्री जनधन योजना भी बोलते हैं, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये आपसे पूछा गया था कि इसको लॉन्च कब किया गया था. तो गाइज इसको 28 अगस्त 2014 में लॉन्च किया गया था. कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? तो गाइज मालदीव जो है वो भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है. कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? आपको ऑप्शंस दिए गए थे पुष्प चिट्ठी कागज या पत्ता. तो गाइज पुष्प यहाँ पर जो है वो पत्र का अनेकार्थी नहीं है. चिट्ठी है, कागज है, पत्ता है, बट पुष्प नहीं है. हरित क्रांति जिसने कई विकासशील देशों में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय ढंग से वृद्धि की थी, उसमें एक चीज थी जो कि मुख्य रूप से काफी ज्यादा उसमें इन्वॉल्व थी, रिलेटेड थी, शामिल थी, तो आपसे पूछा गया था कि वो क्या थे. तो गाइज इफ यू नो, अगर आपने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो यू मस्ट बी नोइंग कि HYV सीड्स जिसे हम हाई यील्डिंग सीड्स बोलते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया गया था, जिसको हम हिंदी में उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक के नाम से जानते हैं. तो गाइज दैट इज द करेक्ट आंसर. इन्होंने काफी ज्यादा उसमें अपना योगदान दिया था, आप कह सकते हैं. ओके, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? श्लेष, अनुप्रास, रूपक या यमक. तो रूपक इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? तो गाइज यहाँ पर आंसर होगा कर्तवाच्य. तो जो कर्तवाच्य होता है गाइज, जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, अर्थात जो क्रिया का प्रयोग है वो कर्ता के लिंग, वचन, कारक के अनुसार होता है और इसका सीधा संबंध जो होता है वो कर्ता से होता है, तब उसको आप कर्तवाच्य बोल सकते हैं. तो कर्तवाच्य इज द करेक्ट आंसर. अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको हम इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आप वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जानते हैं, तो इसका हिंदी में जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक बोलते हैं, जिसको हम वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं. तो गाइज ये बेसिकली है क्या? तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो कि सदस्य देशों को वित्तीय सहायता, जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज होती हैं उसको काफी ज्यादा फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है.
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का भेद नहीं है? क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, परिणाम बोधक या संबंध बोधक? तो बाकी तीनों चीजें जैसे कि हम सब जानते हैं, लेकिन संबंध बोधक नहीं है, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। ओ आई एम सॉरी, परिणाम बोधक गाइस, लेट मी जस्ट करेक्ट इट। संबंध बोधक है, परिणाम बोधक नहीं है, तो परिणाम बोधक इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर वितरित लेख के लिए जाना जाता है, और जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत कृति माना जाता है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है नाट्य शास्त्र, जो कि हमारा एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत, नृत्य और नाटक पर विस्तृत लेख है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया कौन सी होती है? तो जो आपकी मेन क्रिया आपकी जो होती है, उसको उसका जो मीनिंग होता है, उसको आप बोलते हैं ना, हेल्पिंग वर्ब जैसे हम बोलते हैं कि जिसको उसको हेल्प करता है, उसको इनलार्ज, सॉरी, अच्छे से और बताने में, डिस्क्राइब करने में, तो वो कौन सी क्रिया कहलाई जाती है? तो गाइस सहायक क्रिया इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, मानव अधिकार में क्या शामिल होता है? तो दो चीजें होती हैं, अधिकार और दायित्व, ये तीनों मानव अधिकार में आते हैं। स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना जो थी वो किसने की थी? तो स्पेस एक्स की स्थापना जो है गाइस वो एलन मस्क के द्वारा की गई थी। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो मीठा पहले, बुद्धिमान या तेज? तो तेज जो है वो क्रिया का विशेषण है, क्योंकि वो क्रिया के बारे में बता रहा है, सो तेज इज द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के समाधान देने की शक्ति से संबंधित है? तो गाइज अनुच्छेद 72 जो है उसके अंतर्गत दी गई है वो सारी चीजें कि राष्ट्रपति के पास समाधान देने की क्या शक्ति होती है, किस तरह से दे सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो अनुच्छेद 72 इज द करेक्ट आंसर। समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान कौन सा है? तो व्यवहारिक अनुसंधान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर इज द करेक्ट आंसर। मुख्य दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख्य दर्शन में आपका तत्पुरुष समास है। आठ कनौजियां नौ चूल्हे लोकोत्ती का अर्थ क्या होता है? तो गाइज देर इज अ प्रोवर्ब, यू कैन से लोकोत्ती, जिसको हम आठ कनौजियां नौ चूल्हे के नाम से जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अलगाव, की स्थिति, सिचुएशन ऑफ सेपरेशन, यू कैन से अलगाव की स्थिति। सोफिया किस देश की राजधानी है? तो गाइस बुल्गारिया इज द करेक्ट आंसर। किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? तो लैंडस्टीनर जो थे उनके द्वारा ये बताया गया था कि हर एक इंडिविजुअल का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तत्सम शब्द है। साइबर सुरक्षा के लिए, साइबर सिक्योरिटी जो होती है गाइस, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था रिस्पॉन्सिबल होती है, तो आपसे पूछा गया था वो कौन सी संस्था है? तो सर्ट इन, CERT हाइफन इन जो है आपका, ये सर्ट इन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो गाइस पुल्लिंग इज द करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। आई एम अज्यूमिंग आप सभी को पता होगा। सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो गाइस जो सहकारी समिति होती है उसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है उसके सदस्यों की सेवा करना। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन करना है, तो आपको मल्टीपल यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं जिसमें आपको दिया गया है जिसे टाला ना जा सके, तो समथिंग जिसको आप टाल नहीं सकते हैं, तो यू हैव टू चूज वन पर्टिकुलर वर्ड, उस 4-5 वर्ड्स के लिए कोई एक वर्ड जो कि यूज किया जाता है, तो अनिवार्य इज द करेक्ट आंसर। कोई चीज जो अनिवार्य है, जो मैंडेट है, आप उसको टाल नहीं सकते हो, तो जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य। सो गाइस दैट्स इट, दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। ये थे वो सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस हिंदी के क्वेश्चंस जो कि आज यानी कि 30 अगस्त के आपके यूपी पुलिस के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं। हमने पूरा आपको एग्जाम एनालिसिस अच्छे से दिखा दिया। अब आप देख लो आपने कितने परसेंट मार्क्स अटेन करोगे, कितना आपने सही करा है, कितना गलत करा है। और अगर कोई और क्वेरी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, जल्दी से कमेंट करके बता दो, वी विल कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर दैट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड।